सब्जाजार के इलाके में चोर ने बैंक की एटीएम मशीन तोड़ डाली। मुलजिम आमिर एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर रकम निकाल रहा था। डॉल्फिन अहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। जी हां, आपको बताएं कि डॉल्फिन टीम के पहुंचने से पहले मुलजिम मशीन का मेन लॉक तोड़ चुका था। आपको बताएं कि तर्जुमान डॉल्फिन की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ आलात और टूल्स भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिम आमिर रिकॉर्ड याफ्ता निकला थाना सब्जाजार के हवाले कर दिया गया है। सब्जाजार के इलाके में चोर ने बैंक की एटीएम मशीन तोड़ डाली। उसकी लूटने की कोशिश थी, जो कि डॉल्फिन पुलिस स्क्वाड ने नाकाम बना दी। मुलजिम आमिर एटीएम मशीन का लॉक तोड़कर रकम निकाल रहा था। डॉल्फिन अहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। डॉल्फिन टीम के पहुँचने से पहले ही मुलजिम मशीन का मेन लॉक तोड़ चुका था। तर्जुमान डॉल्फिन की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ आलात और टूल्स बरामद किए गए हैं और मुलजिम आमिर इलावाजी रिकॉर्ड याफ्ता भी था। उसको थाना सब्जाजार के हवाले कर दिया गया है। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। हसन खालिद, इस हवाले से भी आगाह कीजिए। जी हाँ, ये सब्जाजार का इलाका है जहाँ पर ये आमिर नामी मुलजिम है, ये एटीएम मशीन का ताला तोड़कर उसमें से रकम निकाल रहा था कि इस दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम जो है वो निजी बैंक की एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की वारदात कर रहा है और डॉल्फिन टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और मुलजिम के कब्जे से आलात और दीगर जो टूल्स थे वो बरामद कर लिए गए हैं। जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम आमिर रिकॉर्ड याफ्ता है, इसे कबल भी मुतअद्दिद डकैती और चोरी की वारदातों में पुलिस को मतलूब था, जिसको थाना सब्जाजार के हवाले करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी जी हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका।